नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कतर से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, इंडियन एम्बेसी ने कतर के लिए, कतर से इंडिया के लिए फ्लाइट शेड्यूल बनाया है। हालांकि ये फ्लाइट शेड्यूल 14 जून से चल के आ रहा है जो 30 जून तक चलेगा। जी हाँ साथियों, 19-20 जून तक मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, वो ही फ्लाइटों का शेड्यूल इसमें है। इसमें कुछ फ्लाइटें और ऐड कर दी गई हैं जिसको बढ़ा के 30 जून तक कर दिया गया। जी हाँ साथियों, जो वंदे भारत मिशन 3 चल रहा है उसके तहत की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें मैं बता दूँ आपको, लगभग 15-20 फ्लाइटों का शेड्यूल है। तो आज से हम बात करेंगे 20 जून से लेके पीछे वाले फ्लाइटों का, तो बताने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि स्क्रीन पे साथ में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं आगे 20 जून से लेके 30 जून के बीच में जो फ्लाइटों का शेड्यूल है, कहां कहां से दोहा से फ्लाइटें टोटल हैं और इंडिया में कहां कहां आने वाली हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। और फेसबुक पेज वाले भाई पेज को जरूर फॉलो कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 20 जून। जी हाँ साथियों, 20 जून से देखिए मैं बता दूं, दोहा से फ्लाइट है कोची के लिए। जी हाँ साथियों, जो 23:10 में कोची पहुंचेगी। नेक्स्ट फ्लाइट की बात कर लेते हैं भाई, 20 जून को फिर एक फ्लाइट है दोहा से अहमदाबाद गुजरात के लिए, जो 17:20 पे पहुंचेगी। जी हाँ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 20 जून को फिर एक फ्लाइट है साथियों दोहा से कोलकाता, होपिंग कोलकाता के लिए फ़्लाइट है, जो 16:55 पे फ्लाइट पहुंचेगी। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट फ्लाइट भाई बात कर लेते हैं कोलकाता भुवनेश्वर, ये शायद एडेड फ्लाइट है, जॉइंट जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट फ्लाइट है भाई 21 जून को, जी हाँ साथियों, दोहा से मदुरई, ये शायद केरला कोची में है। इस 21 जून को ये 19:05 में फ्लाइट पहुंचेगी। जी हाँ साथियों, 23 जून की फिर एक फ्लाइट है साथियों दोहा से कोयम्बटूर, 18:00 का इसका शेड्यूल रहेगा। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई दोहा से 24 जून को, जी हाँ साथियों, 24 जून की फ्लाइट है कोची फ्लाइट है भाई दोहा से, 21:45 पे फ्लाइट पहुंचेगी। दोहा से फिर एक फ्लाइट है साथियों त्रिवेंद्रम, जो 17:40 पे पहुंचेगी 26 जून को। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई 27 जून को एक फ्लाइट है त्रिवेंद्रम के लिए, फिर एक फ्लाइट है 27 जून को, जो दोहा से ही है त्रिवेंद्रम के लिए, दो फ्लाइट हैं 26 और 27 जून को। नेक्स्ट फ्लाइट बात कर लेते हैं भाई 29 जून, दोहा से कन्नूर के लिए फ्लाइट है साथियों, जो 18:40 पे फ्लाइट पहुंचेगी। दोहा से एक फिर फ्लाइट है साथियों 30 जून को कोचिकोड़े, 18:35 पे 30 जून को फ्लाइट पहुंचेगी। तो यार एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये टोटल की टोटल फ्लाइट उधर की हैं। अमृतसर की एक फ़्लाइट दिए 19 जून की थी, मैं बता दूं 19 जून को एक श्रीनगर की थी, बाकी टोटल फ्लाइट भाई ये 20 फ्लाइटें हैं, केरला कोची मदुरई। तो यार इंडियन एम्बेसी को, इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई और भी राजस्थानी, पंजाबी, अपने यूपी, बिहारी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका क्या होगा। टोटल की टोटल फ्लाइटें उधर दे रहे हैं भाई, पता नहीं संतुष्ट हैं नहीं हम भाई। आवाज़ आप भी थोड़ा एम्बेसी पे प्रेशर दें ताकि आपकी फ़्लाइटें स्टार्ट हो, वरना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें तो कोई दम वाली बात नहीं है। टोटल की टोटल मैं तो खुश था कि यार अच्छो अभी देखा तो पता लगा कि आपकी तो कोई फ्लाइट ही नहीं है, टोटल कोचिकोड़े चेन्नई उधर ही जा रही है सबकी सब फ्लाइट। तो साथियों बस यही जानकारी थी, अभी 30 जून तक भाई यही फ्लाइट है, इसके अलावा और कोई फ्लाइट नहीं है। तो राजस्थान वाले फिर आपके लिए तो दिक्कत खड़ी होने वाली है, एम्बेसी पे प्रेशर दोगे तभी आपका कुछ समाधान हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।